गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहैंस। दोस्तों, छुट्टियां हम सबको पसंद है, सो आज का ये टॉपिक छुट्टियों से रिलेटेड है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सेल में दो डेट्स के बीच में लिस्ट ऑफ हॉलीडेज निकाल सकते हो। सो इस चीज़ को करने के लिए मैं आपको दो पावरफुल मेथड्स बताऊंगा, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेप्स है और ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल दैट कंटेनिंग्स टू सीट्स। इसमें फर्स्ट सीट पे मैं बताऊंगा मेथड वन और सेकंड सीट पे मैं बताऊंगा मेथड टू। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। सो मेरे सामने दो कॉलम्स है, द फर्स्ट कॉलम कंटेनिंग द डेट्स एंड द सेकंड कॉलम कंटेनिंग द रेस्पेक्टिव हॉलीडेज ऑफ दैट डेट्स। अब रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट डेट है और एंड डेट है। मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में जितने भी हॉलीडेज है वो लिस्ट डाउन करना है, एंड उसके बीच में कॉमा कॉमा आना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, न्यू ईयर कॉमा मकर संक्रांति कॉमा रिपब्लिक डे एंड सो ऑन, इस तरह से आना चाहिए। मतलब मुझे जितने भी हॉलीडेज है उसको ज्वाइन करना है एंड सेपरेटिंग बाई कॉमा। सो लेट्स सी कि कैसे करते हैं। सो टू डू दिस आई विल स्टार्ट विथ टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। सो मैं इक्वल्स टू यूज करूंगा टेक्स्ट ज्वाइन। दोस्तों, टेक्स्ट ज्वाइन आपके 2016 वर्जन से आया हुआ है। ये टेक्स्ट ज्वाइन करता है क्या है, ये आप समझ लो कि एक तरह से कॉन्कटिनेट फंक्शन का एडवांस वर्जन है, जहां पर मैं किसी भी डेलिमीटर या किसी भी सेपरेटर के बेसिस पे मल्टीपल टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकता हूं। सो एक बार देखते हैं। सो आई विल बी यूजिंग दिस कॉमा स्पेस। सो मैं कॉमा यूज करूंगा, देन इग्नोर एम्प्टी। यस, आई विल इग्नोर द एम्प्टी। नाउ अब यहाँ पर आता है टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री। यहाँ पर मैं कंडीशन यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे सारे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे वो टेक्स्ट चाहिए जिनका स्टार्ट डेट शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन दिस वन और एंड डेट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू दिस वन। सो एक बार देखते हैं। सो आई विल बी यूजिंग इफ लॉजिकल टेस्ट। सो मैं एक और ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, इफ दिस इज जो आपके डेट्स हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस वन, ये होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंड यूज करूंगा। सो एंड के लिए आप एस्ट्रिक यूज कर सकते हो। सो आफ्टर दैट ये डेट हो जाएंगे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू दिस वन, ब्रैकेट क्लोज। सो ये मैंने कंडीशन चेक कर दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, सो ट्रू में क्या करना है, ट्रू में मुझे करना है दिस डेट। और अगर फॉल्स हो, मतलब अगर ये डेट कंटेन्स नहीं करता, ये अगर कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता, देन ब्लैंक हो, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं आपका इफ का, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं आपके टेक्स्ट ज्वाइन का। सो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से आपने देखा आई एम गेटिंग द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, ग्रेट। सो एक बार देखते हैं इसको इवैल्यूएट करके कि ये कैसे काम करता है, और उसके बाद डेट्स को चेंजेस करके देखेंगे कि इस किस तरह से पॉपुलेट करता है बाकी हॉलीडेज। सो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैं इसको, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो एक काम करते हैं, आई जस्ट यूज़ दिस वन, सेलेक्ट करूँगा और मैं इवेल्यूएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ F9 की। सो मैं जैसे F9 की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर सारे आपके नाम आ रहे हैं और यहाँ पर बाकी में ब्लैंक आ रहा है, बिकॉज मैंने इफ में लास्ट पैरामीटर दिया हुआ है दिस वन, इट शुड बी ब्लैंक। सो फिर से एक बार देखते हैं, जस्ट इवेल्यूएट दिस वन F9, और मैंने टेक्स्ट ज्वाइन में बताया हुआ है कि कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए और ट्रू होना चाहिए, किस केस में, इग्नोर एम्प्टी। तो ये जितने भी आपके एम्प्टी सेल्स होंगे या एम्प्टी आपके डेटा होगा उसको इग्नोर करना है और बाकी सिर्फ डेटा को लाना है। सो दिस इज द टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन जिसके बेसिस पे आपने ये हॉलीडेज का लिस्ट पॉपुलेट किया। एक बार डेट्स को चेंज करके देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर कर देता हूँ अप्रैल दिस वन। सो 1 अप्रैल 2020 से मैं कर देता हूँ लेट्स से जुलाई कर देता हूँ 31 जुलाई, और मैं कर देता हूँ 25 जुलाई, एंटर। सो आई एम गेटिंग द लिस्ट ऑफ दिस वन। एक बार वेरीफाई करते हैं, 1 अप्रैल से 25 जुलाई। सो 1 अप्रैल का मतलब हो गया यहाँ से, और 25 जुलाई मतलब ये दिस वन, एंड आई एम गेटिंग द लिस्ट ऑफ ऑल दिस हॉलीडेज, ग्रेट। सो दिस इज द ट्रिक जो फर्स्ट मेथड था जिसमें आपने टेक्स्ट ज्वाइन यूज़ किया और इफ यूज़ किया। और फ्रेंड्स, टेक्स्ट ज्वाइन जैसे मैंने पहले ही बताया था ये 2016 वर्जन में है, तो अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको ये फंक्शंस नहीं मिलेगा, उस केस में आपके कुछ कम्प्लेक्स एरे फॉर्मूलाज यूज़ करना पड़ेगा। और एक चीज़ आपने यहाँ पर देखा है, मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज़ किया बिकॉज आई हैव यूज्ड एरे फॉर्मूला, बट ये काफ़ी सिंपल था बिकॉज टेक्स्ट ज्वाइन आपका मैक्सिमम काम कर गया। नाउ लेट्स मूव
to the method 2. So method 2 थोड़ा सा और interactive होगा, because यहाँ पर मैं इस तरह से tabular format में data को लाऊंगा based upon this data, and I'll be using filter function. ये filter function friends 2019 में आया हुआ है. So अगर आप 2019 या Office 365 का latest updated version, so you will be getting this filter function. तो एक बार देखते हैं कि filter function से कैसे निकालते हैं. So I'll be using equals to filter. Now array का मतलब मुझे कौन सा डेटा चाहिए, कहाँ से डेटा पिक करना है. So I'll be selecting this data, the entire data like this, comma. Now it's the time to include. Include का मतलब क्या कंडीशन सेट करना है. So I'll just start with a bracket, जैसे मैंने if में भी किया था. I'll start with one more bracket. अब मैं यहाँ पर करूँगा this date should be greater than equals to this one, bracket close, and bracket start again. This should date should be less than equals to this one, bracket close. So ये आपके हो गए include वाला parameter खत्म. Now bracket close. अब एक बार enter करते हैं, तो यहाँ पर मैं control shift enter नहीं करूँगा, because 2019 में ये जो कुछ functions आए उसमें से एक filter function है. These are dynamic array formulas या dynamic array functions आप बोल सकते हो, because पुराने वाले में जो versions में था ना friends, उसमें हम control shift enter कर रहे थे जैसे आपने first sheet पे देखा. But जो 2019 में कुछ नए functions आए हैं जो जिसमें से एक filter भी है, उसमें क्या होगा, दिस आर डायनेमिक फॉर्मूलाज या डायनेमिक एरेज बोल सकते हो, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती. जस्ट आई प्रेस एंटर. सो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आपने देखा ये पूरा डेटा आ गया इन अ टेबुलर फॉर्मेट, और मुझे फॉर्मूला को ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि आपके 2019 में कैलकुलेशंस इंजन में बहुत ड्रामेटिकली चेंज आया, विच इज दिस वन. सो एक बार डेट्स को चेंज करते हैं. सो लेट्स दिस वन फर्स्ट यहाँ पर कर देता हूँ मार्च, एंड यहाँ पर कर देता हूँ मैं जुलाई, लेट्स से 7, और 25th कर देता हूँ. सो आई एम गेटिंग दिस वन, ग्रेट. सो आपने देखा ये दोनों मेथड, इस मेथड में आपका क्या था, कॉमा सेपरेटेड था, एंड दिस मेथड इज द टेबुलर फॉर्मेट. तो आपको जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट है यू कैन यूज दिस वन. सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको दोनों मेथड्स में बताया, आई एम हैविंग अ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज. सो ये सिर्फ और सिर्फ हॉलीडेज के केस में यूज नहीं कर सकते. आपके पास कोई भी ऐसा कैलेंडर वाला डेटा, कोई भी डेट से रिलेटेड डेटा है, सो उसको आप यूज कर सकते हैं. बीट भी प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा, बीट भी शेड्यूल का डेटा, बीट भी इंप्लॉय ज्वाइनिंग डेटा, कुछ भी कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज दिस ट्रिक्स. सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल, एंड आई एम श्योर यू विल इंप्लीमेंट दिस ट्रिक्स इन योर ऑफिसेज. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले. नाउ यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आते हैं, बीट भी एक्सेल, बीट भी पावर पॉइंट, वीबीए या ऑफिस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आते हैं, आप हमारे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड देर आर मोर देन 100 प्रोफेशनल्स, 100 एक्सपर्ट जो आपके आंसर्स देंगे. फ्रेंड्स, काफ़ी व्यूअर्स मेरे ऐसे होंगे जो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, हमारे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, बट शायद किसी कारणवश उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया. तो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ 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 शेयर दिस चैनल विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ का देखना है. सो आई एम एक्साइटेड टू क्रिएट अ वीडियोज़ फॉर यू ऑल. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.